हरियाणा समेत पूरी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। सर्दी के सितम के बीच लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा पड़ा, जिसकी वजह से सुबह वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कुछ इलाकों में तड़के दृश्यता का स्तर 200 मीटर पहुंच गया। उधर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन में पारा और गिरने के आसार हैं। बुधवार को राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस वजह से दोपहर में खिली धूप ने लोगों को ठंड से राहत दी। पिछले 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर अधिकतम 100 और न्यूनतम 49% दर्ज किया गया है। और भिवानी से मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा ने मौसम का हालचाल जाना है, पूरी अपडेट वो दे रहे हैं, देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने समूचे उत्तर भारत को ठंड के आगोश में ले लिया है। खासतौर पर बात अगर दक्षिणी हरियाणा के अर्धमरुस्थलीय इलाकों में सटे भिवानी जिले के साथ लगते हिसार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर रात्रि का तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम आंका गया है। बहरहाल ठंड पूरे पीक पर, पूरे यौवन पर कही जा रही है। और अगर इस ठंड की बात करें, बहरहाल कुछ आज कोहरा भी देखा जा रहा है फसलों पर। जिस तरह से अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। वहीं अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, कृषि वैज्ञानिकों की बात करें, तो आने वाले 2-3 दिन में पाला जमने के आसार भी हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिलेगा 28 तारीख को। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो 28 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जो कि फसलों के लिए कारगर मानी जा रही है। हालांकि इस अगर कोहरे की बात करें या फिर धुंध की बात करें, इससे सरसों व गेहूं की फसल में नमी आएगी और नमी मिलने से फसलें जो है वो और फलेंगी फूलेंगी। ऐसे में अन्नदाताओं किसानों के चेहरे भी खिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जब बारिश होगी तो निश्चित तौर पर फसलों से बीमारियां भी दूर होंगी, क्योंकि चाहे गेहूं की फसल की बात करें, चाहे सरसों की फसल की खासतौर पर बात की जाए, फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं बीमारियों की वजह से। अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो निश्चित तौर पर सरसों की फसल के लिए ये बारिश रामबाण साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भिवानी में किस तरह से लोग ठंड से बच रहे हैं, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी रविंद्र जांगड़ा ने। दिसंबर बीतने के कगार पर है और ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। देख पाएंगे यहाँ कुछ युवा हैं, कुछ किसान भी हैं जो कि यहाँ पर अलाव सेक रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी ठंड है अगर ठंड की बात करें तो? ठंड तो जी ज्यादा ही है। नुकसान क्या है ठंड से? नुकसान ठंड से सरसों में नुकसान है और तो कोई नुकसान नहीं है जी। क्या क्या नुकसान होगा सरसों में? नुकसान ये है कि ठंड ज्यादा लगेगी सरसों को, क्योंकि सरसों नाजुक होती है इसलिए। और अगर कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है तो? धुंध पड़ती है तो बेटर है गेहूं के लिए, सरसों के लिए। सरसों के लिए तो ज्यादा ठंड भी ठीक नहीं है और पानी है नहीं। अब कितनी ठंड शुरू होगी? अब तो ठंड ठीक है जी, नॉर्मली है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है फसल के लिए तो अभी तक। तो आम आदमी के लिए तो नुकसानदायक होगी? हाँ हाँ, आम आदमी के लिए तो नुकसानदायक है। तो ये यूथ जो है यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे किस तरह से अलाव सेकते नजर आ रहे हैं। आप बताएं कितनी ठंड लग रही है आपको? ठंड तो बहुत है जी। तो फसलों के लिए तो फायदा होगा इस ठंड का? गेहूं के लिए फायदा, सरसों के लिए तो फायदा नहीं है। और बारिश आती है अगर, तो बारिश से कितना असर पड़ेगा? बारिश से तो जी पड़ेगा सर, बहुत बढ़िया काम होगा बारिश से। चलिए, ये यूथ जो है यहाँ पर ना के अलाव ताप रहे हैं बल्कि खेतों में जो है ये लोग आए थे यहाँ पर, तो धुंध की वजह से आज थोड़ा कोहरा ज़रूर देखा जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से कोहरा आज जो है देखा जा रहा है। हालांकि धूप निकली है लेकिन इसके बावजूद ना तो ठंड कम होने का नाम ले रही है बल्कि साथ ही साथ जो है कोहरा बढ़ता भी देखा जा रहा है। हालांकि अगर मौसम वैज्ञानिकों की, कृषि वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2-3 दिन में पाला जमेगा। लेकिन अगर भूमिपुत्रों की बात करें, किसानों से हमने बात की थी, युवाओं से बात की थी, तो इनका भी सीधे तौर पर कहना है कि गेहूँ व सरसों की फसल के लिए कोहरा तो लाभदायक है लेकिन अगर पाला जमता है तो सरसों की फसल पर नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जब बारिश आएगी पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिलेगा और जब बारिश आएगी तो बारिश से निश्चित तौर पर जो फसलों की बीमारियां हैं, खासतौर पर सरसों की फसल पर जो बीमारियां आती हैं वो भी दूर होंगी। इसके अलावा अगर बात करें, मौसम वैज्ञानिकों का ये भी तर्क है कि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। आम व खास लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, उनमें बीमारियां और बढ़ने का अंदेशा है।
यानी हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली अब ठंड शुरू होने जा रही है क्योंकि दिसंबर अवसान की ओर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और ऐसे में लगातार ठंड जोर पकड़ती जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते रात के मौसम में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि शनिवार तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिस कारण अब और भी ठंड बढ़ती जाएगी। हालांकि बढ़ती ठंड के चलते इसका सबसे ज्यादा फायदा फसलों को होगा, खासकर गेहूं की फसल को। हालांकि पाला पड़ने से सब्जी की फसलों को नुकसान भी हो सकता है। कैथल में सुबह कोहरे और धुंध का नजारा देखने को मिला। हमारे संवाददाता जोगिंद्र कुंडू ने मौसम का हाल जाना, देखिए। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और ऐसे में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। लगातार ठंड ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस समय हम एक रिहायशी कॉलोनी में खड़े हैं। हालांकि धुंध दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पिछले कई दिन से जो लगातार है वो धूप निकल रही है, खिली धूप निकल रही है, जिस कारण मौसम हालांकि साफ दिखाई दे रहा है परंतु ठंड लगातार जोर पकड़ती जा रही है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार जो दिसंबर का महीना है इसमें ठंड जोर पकड़ती जा रही है। जिस तरह से जो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भी हालांकि जो प्रिडिक्ट की है, जो भविष्यवाणी की है, उसमें आगे भी जो शनिवार से है जो बादल छाए रहेंगे और आगे जो है ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि ये जो बढ़ती ठंड है और जो धुंध पड़ रही है ये जो गेहूं की फसल है और अन्य जो फसलें हैं उनके लिए हालांकि फ़ायदेमंद जरूर होगी। जो थोड़ी बहुत सब्जी की फसलें हैं उन पे हालांकि थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है उससे आमजन को परेशानी जरूर हो रही है, छोटे बच्चों को जरूर हो रही है। हालांकि जिस तरह से जो अभी स्कूल पूरी तरह से खुले नहीं है, हालांकि स्कूलों में अभी इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, जिस कारण जो लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है उसका असर कहीं ना कहीं बुजुर्गों पर और बच्चों पर जरूर देखने को मिल रहा है। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही राय दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो सांस के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, वो घरों से बाहर कम निकलें, ठंड से बचाव करें और लगातार ठंड आगे भी इसी तरह बढ़ती रहेगी क्योंकि दिसंबर का महीना है जो अभी अंतिम सप्ताह इसका चल रहा है और ऐसे में जो जनवरी है, जनवरी में जो ठंड है वो हालांकि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जिस तरह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते मौसम विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी है कि शनिवार से जो बादल छाए रहेंगे और ऐसे में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और पहाड़ों में भी जिस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है उस कारण भी ठंड आगे जोर पकड़ती जा रही है और धुंध भी पड़ेगी जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन की तरफ से भी वाहन चालकों को यही हिदायतें दी जा रही हैं कि जो मौसम है ये धुंध का उसमें जो लाइटें हैं फॉग लाइट जलाकर जरूर चलें और इंडिकेटर जलाकर जरूर चलें और जहाँ भी गाड़ी पार्क करें उसमें इंडिकेटर जलाकर गाड़ी को खड़ी करें और लाइटें जलाकर गाड़ी को ऑन करें ताकि आने जाने वाले वाहन चालक हैं उनको गाड़ी दिखाई दे सके और दुर्घटनाएं होने से बचा जा सके। कैमरा पर्सन भीम नौकवाल के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज कैथ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पलवल में ठंड का असर कितना ज्यादा पड़ रहा है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी नितिन शर्मा ने। देखिए, उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं बात करें पलवल की तो पलवल में भी लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पलवल का केएमपी केजीपी हाईवे है जहां पर कोहरे की चादर यहां पर थोड़ी थोड़ी आ रही है और जो ठंड है बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार जो क्षेत्र में ठंड का प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, लगातार कोहरे में तेज़ गति से चलने वाले वाहनों के लिए भी ट्रैफिक की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जान लेते हैं उन्हीं पुलिस अधिकारियों से किस तरह ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं और जो स्पीड है उसको किस तरह मेंटेन करें। सर, अगर हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की तो क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और किस तरह लोगों को जागरूक करें? अभी जो ठंड है बढ़ती जा रही है, क्या बता रहा है, इसलिए रात के समय पुलिस कर्मचारी उनको अपने ट्रैक्टर जैकेट है उनका प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं और जो गाड़ियां हैं उन पर ट्रैक्टर वगैरह लगाने की हम भी लगा और तो